हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपका फ्लूइड फ्लो एंड विस्कोसिटी, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू गेट सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फ्लूइड? जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंस विच हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास क्या है, एबिलिटी टू फ्लो है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड बोलते हैं। और उसके अंदर आपकी दो स्टेट आती है मैटर की, एक आती है आपकी लिक्विड एंड दूसरी आपकी गैस। तो लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके पर ये क्या है, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमें पता है, ठीक है? एक्चुअली फाइव है, फाइव स्टेट ऑफ मैटर। तो आप मुझे फाइव स्टेट ऑफ मैटर के नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। अच्छा, और ज्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन देखें फ्लूइड की, तो वो होगी, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स। ओके, तो दैट मींस कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, ठीक है? तो कंटिन्यूअस क्या है, शेप चेंज होती है जब इनके ऊपर क्या है, कोई भी एक शियरिंग फोर्स लगाया जाता है। शियरिंग फोर्स कैसी होती है बच्चों, कंसीडर कीजिए कि मैं एक आपको यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, ये मैंने लेट अस अज्यूम कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और जो इसका बॉटम पार्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है टेबल पे, क्या है टेबल्स पे, जो बॉटम पार्ट है इसका मैंने फिक्स कर दिया है टेबल पे, अब ये मूव नहीं करेगा बॉटम पार्ट, सिर्फ टॉप पोर्शन मूव कर सकता है। अब अगर इस टॉप पोर्शन का जो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, जो टॉप टॉप पार्ट है ये वाला, ठीक है, अगर इस एरिया पे और मैं अगर एक फोर्स लगाऊं, टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं इस टाइप से एफ, ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ टॉप पोर्शन मूव करेगा, ठीक है? तो शेयर फोर्स ऐसी होती है, शेयर फोर्स में क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक एरिया पे लगती है, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कराती है, ठीक है? तो इस टाइप की जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। जिसकी वजह से क्या है, इस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज होगी और ये जो डिफॉर्मेशन होने के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट की शेप कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये जो डॉटेड लाइन है, अब ये इसकी नई शेप, न्यू शेप है इसकी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की। तो अभी इस ऑब्जेक्ट की न्यू शेप ये है, पहले क्या थी, ये इस तरीके थी, मतलब बिल्कुल स्क्वायर शेप था, बट अभी क्या, पैरेललोग्राम शेप आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग फोर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो शेयरिंग फोर्स एक स्पेसिफिक एरिया पे लगती है आपका यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस टाइप का इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है? और अगर ये ऑब्जेक्ट के इस, जैसे मान लीजिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैं एक फोर्स लगाता, तो ये जो फोर्स है नॉर्मल है टू दिस सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंशियल है, क्लियर? तो ये यहाँ पे डिफरेंस है शेयर का, और ये जो आपका नॉर्मल फोर्स है ये आपको परपेंडिकुलर लगती है और ये वाला आपका टेंजेंशियल लगती है सरफेस के, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। देन फिर आपका आता है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इसके लिए कुछ जाना नहीं है, सिंपल है कि इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड एट रेस्ट। बट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका फ्लूइड इन मोशन, ठीक है? हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड्स इन मोशन। ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हमें पढ़ना है बैच, फेड बैच, कंटिन्यूस, तो बाय प्रोसेस में यही हमें रिएक्टर पढ़ना होता है, और रिएक्टर के अंदर क्या है बच्चों, हम यूज़ करते हैं स्टिरर, यानी कि जो जो भी आपके रिएक्टर है उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिक्सिंग। क्या है मिक्सिंग? मिक्सिंग क्या है, ताकि होमोजीनियस कंडीशन अचीव हो सके, और वो बिना मिक्सिंग के नहीं हो सकती। अब उसके लिए हम स्टिरर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पार्जर यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के रिएक्टर में। तो मेन चीज़ है कि मिक्सिंग होनी चाहिए, और मिक्सिंग किससे एसोसिएटेड है, फ्लूइड के मोशन से, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड इन मोशन, इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दो टाइप का आपका फ्लूइड मोशन होता है, एक आपका स्टेडी और लेमिनार फ्लो, और सेकंड आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है? तो ये जो आपका लेमिनार है, स्टेडी है, और इसका दूसरा नाम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है, ठीक है? इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका स्ट्रीमलाइन क्या है। तो स्ट्रीमलाइन आपका पाथ है फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना यहाँ पे,
तो ये जो लाइंस हैं यही आपके क्या है, स्ट्रीम लाइन है। तो ये पार्टिकल्स जो इस मतलब इस लाइन में हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल इस लाइन से पास हो रहा है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रीम लाइन है उस पार्टिकल की, या जो पार्टिकल इससे पास हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो विजिबल है बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स ऑफ फ्लूड की। तो ये आपको दिखाया गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पुट किया है इन्होंने, ठीक है, एज अ बैरियर इस फ्लूड के इस फ्लो के, देखिए फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन किया है कि फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट किया है ताकि एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सके। तो दो टाइप के जो फ्लो हैं, एक है लेमिनार फ्लो और एक है आपका टर्बुलेंट। तो आप देख सकते हैं ये आपका लेमिनार है, ये वाला जो इमेज है वो लेमिनार फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेमिनार फ्लो में आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कराया, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट। बट उसके बावजूद भी क्या है, फ्लो जो है वो लेमिनार ही बना हुआ है। ठीक है, फ्लो कैसा है, अभी भी लेमिनार है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये आपका टर्बुलेंट फ्लो की है, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में हमने जो एक ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्फेरिकल बॉल है, उससे क्या है आपका, ये देख सकते हैं ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, रेंडम मोशन है पार्टिकल्स का। ठीक है, और एक तरीके से रोटेशनल मोशन है यहाँ पे पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप ये यहाँ पे, तो इस टाइप का जो है मोशन है छोटे छोटे, ये एडीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है पार्टिकल के बीच में। इज दैट क्लियर? तो ये इस टाइप का फ्लो टर्बुलेंट कहलाता है, और इस टाइप का स्मूथ फ्लो लेमिनार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्मूथ फ्लो है तो लेमिनार, और इस तरीके का रैंडम फ्लो है तो उसको टर्बुलेंट बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। देखिए इस लेमिनार फ्लो में होता क्या है, ये इतना स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये एक पार्टिकल है जो कि इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल है बच्चों, मतलब मॉलिक्यूल है वाटर का, तो वो जो क्या, वो मतलब जो भी लिक्विड है उसका जो मॉलिक्यूल है वो अपने जो सामने वाला मॉलिक्यूल है उसी के पाथ को फॉलो करेगा। तो जो पाथ इसने फॉलो किया है, जो प्रिसीडिंग पार्टिकल है वो भी क्या है, उसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रीम लाइन, तो ये जो स्ट्रीम लाइन है फिक्स है, और जो इस पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं वो सभी इसी पाथ को ही फॉलो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, और इस डेफिनेशन से समझे इस बात को, तो वो इससे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, कि अज्यूम कीजिए ये जो है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ इन सबको। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, इस पे वेलोसिटी, ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो ये जो या इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो पॉइंट है इस पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज जो इसके पास होती है वो है इसका डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो एरो है वो आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, इसकी जो लेंथ है, और जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहा है जब वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेंगे उनकी वेलोसिटी v1 रहेगी, मतलब कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 रहेगी। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी रहती है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो जितने भी पार्टिकल यहाँ से पास करेंगे वो उनकी उनकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और उनकी डायरेक्शन ये रहेगी जो यहाँ पे मार्क की गई है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो ये है, यही इसी को कहते हैं, जहाँ पे जो पार्टिकल जिस एक पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास होंगे उन सबकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ये, जो पार्टिकल फिर इस पॉइंट से पास होंगे उनकी डायरेक्शन ये, उनकी डायरेक्शन ये। तो इस तरीके से क्या है, तो यही है आपका स्ट्रीम लाइन। तो ये इसी से तो बनी है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन कैसे शो करते हैं बच्चों,
टेंजेंट ड्रॉ करके। तो मेरे मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालनी है डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप इट इज क्लियर। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है कि आपका जो प्रिसीडिंग पार्टिकल जो पीछे आ रहा है, वो क्या करता है, आगे वाले मॉलिक्यूल्स के पाथ को फॉलो करता है, और जिसकी वजह से क्या है, उस पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन में क्या है, आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो इस टाइप का फ्लो लैमिनेट, जबकि टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता है। टर्बुलेंट में क्या होता है बच्चों, फिर पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फ्रिक्वेंटली क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रीम लाइन्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल्स, अगर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होता तो यहाँ पे क्या होता, मान लीजिए एक ये स्ट्रीम लाइन है रेड कलर की और एक ये ब्लैक कलर की स्ट्रीम लाइन है। तो होता क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो इधर क्रॉस करते रहते हैं, कभी वो इस स्ट्रीम लाइन में चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो में कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो है फ्लूड के वो क्रॉस करते रहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, टर्बुलेंट फ्लो प्रोड्यूस होता है, स्मूथ फ्लो नहीं रहता। ठीक है, स्मूथ फ्लो है तो लेमिनार और स्मूथ नहीं है तो टर्बुलेंट। क्लियर, और इसकी वजह से क्या है बच्चों, एडी एडी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, देखिए एडीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लोकल रीजन ऑफ फ्लूइड रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया है रेड कलर से, ये क्या है आपके एडीज हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये स्मोक है, तो यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है लेमिनार को। एक स्मूथ फ्लो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये स्मूथ फ्लो में क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे के जो प्रिसीडिंग पार्टिकल है वो अपने सामने वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, इसलिए स्मूथ फ्लो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर ये जो पोर्शन है ये आपका ट्रांजिशन है, क्या है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किस किस के बीच में हो रहा है, लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में। तो विद इन, ये बिटवीन पार्ट है, पूरी तरीके से टर्बुलेंट भी नहीं है, पूरी तरीके से लेमिनार भी नहीं है, बिटवीन पार्ट। और फिर आप देख सकते हैं ये जो पूरा है ये आपका ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइप का जो फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि लेमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है और स्ट्रीम लाइन क्या है। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन मतलब पाथ है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलकर के एक बंडल बनाती हैं, और ये जो टाइप्स ऑफ फ्लो हैं उसका नाम है स्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो भी इसको बोलते हैं। अब बच्चों समझते हैं शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस हमें हेल्प करेगा विस्कोसिटी को समझने के लिए। नाउ कंसीडर कीजिए कि बच्चों ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये एक लिक्विड का एक कॉलम है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स आप देख पा रहे होंगे। ये लेयर्स किसकी बनी हुई है बच्चों, वैसे तो हम लिक्विड को इस तरीके से अज्यूम नहीं करते हैं, बट विस्कोसिटी को समझने के लिए इसको हमें इसी टाइप तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा कि जो लिक्विड है वो क्या बना हुआ है, वो लेयर्स से बना हुआ है, मल्टीपल एन नंबर ऑफ लेयर से बना हुआ है, और ये जो लेयर्स हैं वो किससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है, लिक्विड के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो पार्टिकल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल लीजिए। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और उन लिक्विड के मॉलिक्यूल से लेयर बनी है, और एक के ऊपर एक लेयर है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की। तो आप इस तरीके से ज़ूम करेंगे किसको, लिक्विड को, हमारे इस शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी को समझने के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप इन फ्लूइड व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मोशन की, डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लूइड यानी कि ये जो आपकी ये जो लेयर है ये बहुत फास्ट मूव कर रही है। ठीक है, और ये वाली लेयर जो है इसकी वेलोसिटी कम है ऊपर वाली लेयर से, फिर इसकी और कम, फिर इसकी और कम। तो दैट मींस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने जो एरो बनाया है इनकी लेंथ क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो स्मॉल जो मैंने एरो बनाए हैं उनकी मतलब वेलोसिटी कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अब क्योंकि इनके बीच में क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी इन लेयर्स के बीच में, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है बच्चों, शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ये तभी डेवलप होगा जब वेलोसिटी आपकी क्या होंगी, लेयर्स के बीच में डिफरेंट होंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द फ्लूड विद इन द फ्लूड देर इज ए कंटिन्यूअस मॉलिक्यूलर मूवमेंट सो दैट एन इंटरचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर बिटवीन लेयर्स। क्या हो रहा है, लेयर्स के बीच में कंटिन्यूअस इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज कैसे हो रहा है कि ये जो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जा सकते हैं नीचे वाली लेयर में,
और जो नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं, ऊपर वाली लेयर में। तो इससे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस जो है ये मॉलिक्यूल ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है, इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूस एक्सचेंज आपका हो रहा है, ठीक है। नाउ ये पॉइंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, दिस इंटरचेंज इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द लेयर। इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ जल्दी से, कि कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे मैं दो लेयर बना रहा हूँ बस लिक्विड की, एक रेड और इसके बाद एक बनाएंगे हम ब्लू। तो ये रेड मॉलिक्यूल्स की लेयर है, मतलब दोनों सेम ही लिक्विड की लेयर है, यानी कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट द थिंग इज कि मैं इनको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ अब ये जो ब्लू वाले लेयर है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेयर, और जो रेड वाली लेयर है वो आपकी वी वन वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वन, और जो वेलोसिटी है वी वन वो ग्रेटर देन है किससे, वी टू से, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली लेयर है रेड वाली, ये क्या है, फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग लेयर है, और जो नीचे वाली लेयर है वो आपकी क्या है बच्चों, स्लो मूविंग लेयर है। कैसी है, स्लो मूविंग, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है क्या हो रहा है कि इनके बीच में क्या है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यही अभी हमने देखा। तो देखते हैं आखिर वेलोसिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। कंसिडर कीजिए ये जो आपका फास्ट मूविंग है मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो जंप करके नीचे वाली लेयर में यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जंप करके नीचे आ गया है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आपका नीचे आ गया, यहाँ पर ब्लू वाली लेयर में आ गया, जिसकी वजह से क्या है, अभी आपने देखा कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट इज़ वी वन, और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम है, दैट इज़ वी टू, क्लियर है। तो जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, जो इसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको पुश करेगा कि भाई तुम थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूव करो क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है और तुम स्लो चल रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल में, जिससे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये फास्ट मूव करेगा और ये नेक्स्ट में ट्रांसफर करेगा और ये नेक्स्ट में, इस तरीके से क्या है, ये ट्रांसफर होता रहेगा आगे तक, जिसकी वजह से इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर फास्ट मूविंग लेयर का कोई मॉलिक्यूल स्लो मूविंग लेयर में एंटर करता है तो वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आई होप समझ में आया। इसी तरीके से इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये स्लो मूविंग लेयर का ब्लू मॉलिक्यूल, अगर ये जंप कर जाए ऊपर वाली लेयर में, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जंप कर गया, तो जिसकी वजह से अब क्योंकि ये फास्ट मूविंग लेयर में एंटर कर गया है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है अब क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है, तो जो इसके पीछे जो आ रही है रेड कलर के मॉलिक्यूल्स, वो उनको क्या करेगा, उनको स्लो डाउन करेगा ये, क्यों, क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है और पीछे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो फास्ट है। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये इनसे मोमेंटम, इनका मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद का तो मोमेंटम कम है तो जिसका ज्यादा होगा वही तो देगा, तो रेड मॉलिक्यूल्स का ज्यादा है, वो फास्ट मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। मास तो सबका सेम है क्योंकि सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो है ये मोमेंटम यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से जो पूरी लेयर है उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स हुआ क्या, जो स्लो मूविंग लेयर है उसने फास्ट मूविंग लेयर की वेलोसिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये मैकेनिज्म तो यही है बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बीच में क्या है कि एक तरीके से फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, कि ये फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है किसको, मोशन को, अपोज मोशन। और यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब कि जो स्लो मूविंग लेयर है वो कह रही है फास्ट मूविंग लेयर से, भाई तुम इतना फास्ट क्यों चल रहे हो, तुम अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लो, ठीक है। तो इसलिए जब इसने अपने मॉलिक्यूल्स वहां पे इंटरचेंज किए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फास्ट मूविंग की कम हो गई, ठीक है। तो क्यों हुआ, तो दैट मीन्स स्लो मूविंग लेयर कह रही है कि भाई तुम मेरे से ज्यादा फास्ट चल रहे हो,
तुम अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करो, दैट मीन्स स्लो मूविंग लेयर क्या कर रही है, अपोज कर रही है किसको, मोशन को, किसके मोशन को, फास्ट मूविंग लेयर के। इसी तरीके से जो फास्ट मूविंग लेयर है वो स्लो मूविंग से कह रही है कि भाई तुम स्लो क्यों चल रहे हो, तुम थोड़ा फास्ट मूव करो, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन करता है, फ्रिक्शन अपोज मोशन, और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन फ्लूइड मोशन। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लेयर्स जो डिफरेंट वेलोसिटी की जो लेयर्स मूव कर रही हैं वो चाहती हैं कि दोनों लेयर्स सेम वेलोसिटी से मूव करें, क्या चाहती हैं, दोनों लेयर्स सेम वेलोसिटी से मूव करें, ताकि इनके बीच में फ्रिक्शन कम हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो। वो तभी होगा जब दोनों जो लेयर हैं वो क्या है, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। और उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, ये एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं। अगर ये अगर ऊपर वाली लेयर ज़्यादा फास्ट मूव करेगी तो नीचे वाली उसको अपोज करेगी, और इसी तरीके से अगर नीचे वाली ज़्यादा फास्ट मूव करेगी तो ऊपर वाली उसको अपोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है मोशन का। तो यहाँ पे तो ये जो अपोज हो रहा है मोशन का वो किसकी वजह से है, शीयर स्ट्रेसेस की वजह से है, ठीक है। तो ये जो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है किसकी वजह से, जो रेजिस्टेंस टू चेंज इन फ्लूड मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, शीयर स्ट्रेस बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को, और इमेजिनेशन पावर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, जहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेयर की, जस्ट किसकी वजह से, इंटरचेंज की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के। गिव राइज टू विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स जो है वो अपोज कर रही है मोशन को, जैसा मैंने बताया। इन फ्लूड नेबरिंग फ्लूड लेयर ट्रांसफर मोमेंटम एंड अफेक्ट ईच अदर वेलोसिटी, कैसे करती है ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है। तो शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि एक फास्ट मूव कर रही है, एक स्लो मूव कर रही है, और ये शियर स्ट्रेस चाहता है कि ऐसा ना हो, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एज फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो जो भी फोर्स, शियर फोर्स आपकी डेवलप हुई, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया किसका है, इस लेयर का एरिया है। तो ये जो लेयर है इसका जो एरिया है, ये जो मॉलिक्यूल की लेयर है इसका जो एरिया है वो यहाँ पे, वो उस फोर्स डिवाइडेड बाई दैट एरिया, एरिया ऑफ लेयर। क्लियर यहाँ पे, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको पता है शियर स्ट्रेस का मीनिंग क्या है। कैन वी ऑल्सो थॉट एज सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन फ्लूड मोशन, ठीक है। अब गैसेज में क्या होता है, गैसेज में तो सिर्फ मॉलिक्यूलर इंटरचेंज जो है वो उसकी वजह से शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है मॉलिक्यूलर इंटरचेंज और दूसरा है कोहेशन। अब कोहेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड के विद इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर अट्रैक्शन क्या है, विद इन मॉलिक्यूल्स हैं, विद इन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस टाइप का जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेशन। और जो दूसरा है अडहेशन, वो अपोजिट मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे कि ग्लास, ग्लास के ऊपर अगर आप मरकरी की ड्रॉप, मरकरी को ड्रॉप करें, तो मरकरी क्या है, ड्रॉप्स बना, स्पेरिकल ड्रॉप बना लेता है, ठीक है, ज़्यादा मरकरी डालेंगे तो ज़्यादा बड़ा स्पेरिकल ड्रॉप बनेगा, ठीक है, ग्लास के ऊपर। जबकि वाटर जो है वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। तो वाटर स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्स कम है एज कम्पेयर टू वाटर ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर मरकरी के केस में क्या है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, दैट मीन्स जो विद इन मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास और मरकरी के जो मॉलिक्यूल हैं। तो कोहेशन फोर्स होता है विद इन, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, विद इन मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेशन। तो कोहेशन का भी क्या है, कोहेशन जितना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उतना ही ज़्यादा इनके बीच में क्या होगा, विस्कस शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है। दैट मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या है, इसकी वजह से फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन तो आपको पता ही है ना, कि दो सरफेस जब आपस में डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं तो वो क्या है, उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा पहले से, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसको अगर कोहेशन होगा तो और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा,
जिसके वजह से शेयर स्ट्रेसेस और ज़्यादा डेवलप होंगे, जिनका काम क्या है, अपोज करना जो रिलेटिव मोशन है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शेयर स्ट्रेसेस क्यों हैं, किस वजह से हैं और क्या हो रहा है, ये आपको पूरा मैकेनिज्म पता चल गया। अब हम समझेंगे बच्चों विस्कोसिटी को, ठीक है। और विस्कोसिटी के लिए ये डायग्राम हम पहले समझते हैं कि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेशनरी प्लेट है और एक ये आपका मूविंग प्लेट है, ठीक है। अब नाउ ये जो मूविंग प्लेट है वो, उस पर हमने एक एफ फोर्स लगाई है जो कि टेंजेंशियली शियर फोर्स है इस प्लेट के लिए, ठीक है। और टेंजेंशियली इस प्लेट को मूव कराएगी इस डायरेक्शन में। नाउ कि अब इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? लिक्विड की लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पूरा जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है, एक तरीके से हमने जूम किया हुआ है काफ़ी। एक्चुअली में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये डी जो है ये बहुत स्मॉल है, बट हमने जूम किया हुआ है समझने के लिए, ठीक है। नाउ अब जब हम इस प्लेट को मूव करा रहे हैं एफ वेलोसिटी से, तो क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं उन, वो क्या करेंगे, इस प्लेट के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिनकी वजह से इस लेयर की, इस ये जो मॉलिक्यूल की जो लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एरो की जो लेंथ होती है बच्चों, वेक्टर में एरो की लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एरो की उतने ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, और जो लास्ट में पॉइंट हेड होता है वो ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है मोशन की, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम, फिर ये क्या है, ये जो लेयर है वो एडजेसेंट लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, जिसकी वजह से ये भी मूव करना स्टार्ट करेगी, बट इसकी वेलोसिटी एज कम्पेयर टू दिस कम होगी। फिर ये ट्रांसफर नेक्स्ट लेयर में होगा तो इसकी वेलोसिटी और कम, फिर नेक्स्ट लेयर में इसकी वेलोसिटी और कम, फिर नेक्स्ट लेयर में इसकी वेलोसिटी और कम, और ये, और ये वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, कि लेयर्स जो मॉलिक्यूल लिक्विड की जो लेयर्स हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है अगर उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो यही तो हुआ, पहले सारी लेयर रेस्ट में थी बट ये लेयर मोशन में आ गई, तो जो उसकी एडजेसेंट लेयर है वो कोशिश करेगी कि इसको रोका जाए, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जो सबसे जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है मूविंग प्लेट के, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफर तो होगा मोमेंटम, बट इतना ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम है। इससे जो जस्ट नीचे वाली लेयर है वो भी रेजिस्ट कर रही है इसके मोशन को, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी कम हो गई। फिर इसने भी रेजिस्ट किया, फिर इसने भी रेजिस्ट किया, इसने भी रेजिस्ट किया। अब जी ये वाली जो लेयर है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसके, स्टेशनरी प्लेट के, इसने सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किया है इसलिए इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, ठीक है। और एक्चुअली में जो लेयर इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी स्टेशनरी प्लेट के, वो मूव भी नहीं की होगी, ठीक है, थियोरिटिकली। नाउ ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड की जो रेजिस्टेंस कह लीजिए, फ्रिक्शन कह लीजिए, जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है सॉलिड लिक्विड के बीच में उससे कम होता है, और लिक्विड लिक्विड के बीच में रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, देन फिर उसके अकॉर्डिंगली लिक्विड गैस गैस गैस, ठीक है। तो दैट मीन्स क्योंकि सॉलिड सॉलिड के बीच में हम यहाँ पे दो टाइप का रेजिस्टेंस देखेंगे, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड ये जो मेटल प्लेट है ये सॉलिड है, और इसके जो जस्ट एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के वो लिक्विड हो गए। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जो मॉलिक्यूल लेयर है वो नहीं चाहती कि इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा किसके साथ, मूविंग प्लेट के साथ मूव करना पड़ेगा, सॉलिड के साथ मूव करना पड़ेगा। अब क्योंकि इन दो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि अभी हमने देखा लिक्विड लिक्विड के बीच में रेजिस्टेंस कम है, तो ये मूव तो करेगी बट ये कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, फिर इसी तरीके से जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। नाउ तो और दूसरी बात, ये जो लिक्विड लिक्विड के बीच में रेजिस्टेंस है, जो भी हमने पीछे भी मैंने आपको समझाया कि किस वजह से है, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना मोशन को, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी क्या करती है, अपोज करती है मोशन को। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं बोलते, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स, ठीक है। ये क्या है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो कि क्या कर रही है, बैकवर्ड ड्रैगिंग मतलब जो मूव नहीं करने दे रही है किसी लेयर को रिलेटिवली फास्ट, ठीक है। रिलेटिवली मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो लेयर अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उनके बीच में फ्रिक्शन का मतलब नहीं बनता है। फ्रिक्शन तभी है जब एक फास्ट मूव कर रही है और एक स्लो मूव कर रही है, तो ये नहीं चाहती ये फास्ट मूव करे और ये फास्ट नहीं चाहती ये स्लो मूव करे, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रैग कर रहे हैं एक दूसरे को।
ये चाहती है, ये आगे की तरफ ड्रैग करेगा जो फास्ट मूविंग है, और जो स्लो मूविंग है इसको पीछे की तरफ ड्रैग करेगा। तो ये रिलेटिव है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी कुछ नहीं है। तो विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू फ्लूड रेजिस्टेंस टू मोशन, ठीक है। तो ये जो विस्को, तो ये क्या है, ये विस्कोसिटी है। अब कुछ तो यहाँ पे देखिए, विस्कोसिटी का डेफिनेशन ये हमने देखा नहीं अभी तक, क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाय वर्चू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस वजह से है फ्रिक्शन, कम्स इन टू प्ले वेन अ फ्लूड इज इन मोशन विच अपोजिज द रिलेटिव, मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। रिलेटिव अगर दोनों, मैंने बताया ना, दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो उसके बीच में डेवलप नहीं होगा शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा तो उनके बीच में विस्कस फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, बस उसको हम यहाँ पे विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है, जो फोर्स डेवलप हुई है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे बच्चों डायनामिक विस्कोसिटी की, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी में ये जो वर्ड आ रहा है डायनामिक, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए तीन चीज आपकी फिजिक्स में, हर चीजों को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, अब क्योंकि ये बायोप्रोसेस भी एक तरीके से फिजिक्स से रिलेटेड है, और डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं एट रेस्ट, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी अगर आप रेस्ट में रेस्ट कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स मतलब है इन मोशन, अगर आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को या सॉलिड की या फ्लूड की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं मोशन में, तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। इसलिए यहाँ पे आप इक्वेशन देखते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। डायनेमिक्स मतलब है कॉज ऑफ मोशन, जब आप कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं तो उसको हम डायनामिक बोलते हैं। यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड सो एंड सो, तो दैट इज डायनामिक। जहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ किसकी वजह से होता है मोशन, सिंपल सी बात है, मोशन होता है फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी में हम बात करेंगे कि फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे विस्कोसिटी का अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो एक्चुअली क्या है, ये जो जो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन, ये आपका न्यूटन ने दिया था, तो दैट इज लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, उसको हम समझ रहे हैं। और ये मैं अभी आपको समझाया था डायग्राम, जिसमें आपने देखा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या है, अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, जो भी आपका अपोजिंग फोर्स है, एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन टू लेयर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, ये क्या है, जो फोर्स है विस्कस ड्राइव फोर्स वगैरह, वो क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किस किस चीज के। फर्स्ट है द एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे जो लेयर है बच्चों, ये लेयर नहीं है इसका, ये इतना, ये तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। लेयर तो आपकी पूरी है, यहाँ पे पूरा लिक्विड है, ठीक है, तो ये लेयर पूरी कंप्लीट है। तो इनके बीच का जो एरिया है, और सॉरी इनके बीच का कह रहा हूँ, इस लिक्विड लेयर का जो एरिया है, ठीक है, जो किसके कांटेक्ट में है, इस लिक्विड लेयर के कांटेक्ट में, ठीक है, तो मतलब पूरी लेयर का एरिया है एक्चुअली, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब ग्रेडियंट को समझते हैं, देखिए दो चीजें होती है आपकी, एक होता है आपका रेट, एक होता है आपका ग्रेडियंट। क्या होता है, एक होता है आपका रेट और एक होता है आपका ग्रेडियंट। रेट का, रेट वर्ड आपको जहां भी दिखे उसका जनरली ज्यादातर जो है हम मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार वो मेंशन कर देते हैं कि किस चीज का रेट है, ठीक है। अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेट का मतलब होता है जनरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा होता है आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। दैट मीन्स रेट का मतलब है कि कोई चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ, और ग्रेडियंट का मतलब है कोई चीज चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम बात करें वेलोसिटी, आपको पता है सिंपली, और अभी हमने मास मास रेट भी देखा था, अभी मास बैलेंस जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने मास रेट देखा कि 300 किलोग्राम पर आर, तो 300 किलोग्राम पर आर का मीनिंग क्या है कि
कि ये रेट है मास मास के फ्लो का, दैट इज 300 kg आपका ट्रांसफर होता है पर आवर, 1 घंटे में। तो ये क्या है, रेट है। इसी तरीके से वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपको पढ़ा था। और इसी तरीके से आपका एसेलरेशन होता है, एसेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट मतलब है चेंज आ रहा है किस चीज में, चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है कोई चीज चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो एसेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन के साथ समझा दिया। अब देखते हैं ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, ग्रेडियंट का भी ये मीनिंग है। अब जैसे कि यहाँ पे एसेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि यहां पर हमारे इस एग्जाम्पल में है। कैसे, जैसे कि आपने देखा कि वेलोसिटी ऊपर जाने पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर जाने पे डिक्रीज हो रही है, और ऊपर जाने पे क्या क्या चीज कम हो रही है, ऊपर जाने पे मूविंग प्लेट और जो स्टेशनरी प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ये कह, सॉरी, इनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली लेयर्स का स्टेशनरी प्लेट से डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आई होप अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं, ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेशनरी प्लेट से जो है डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है बट एज कम्पेयर टू दिस लेयर, और इसका जो डिस्टेंस है स्टेशनरी फेस से स्टेशनरी प्लेट से वो भी कम है। दैट मीन जैसे जैसे आपका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए चेंज को, जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी से, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन, कि किस चीज का डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी का किसके रिस्पेक्ट में है, वाई के रिस्पेक्ट में है। तो दैट मीन्स जहां पे भी डी डी दिखाई दे, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी चीज आपके ऊपर है और किसके रिस्पेक्ट में, वाई। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो उसको रेट बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे टाइम आएगा, और अगर मेंशन है तो वहां पे जो भी चीज दी है वो आएगी, बट ग्रेडियंट जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस, ये हम मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ अगर कोई चीज, तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ, तो इसलिए फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला है। ठीक है, जहां पे वाई क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, और डी वाई क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द थिंग इज कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाई डी वाई, यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा माइनस न्यू, और बाकी सारी चीज़ ऐसी रहेंगी, ए डी वी बाई डी वाई। अब अगर मैं एरिया को इस साइड ले आऊँ, इस साइड, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एफ बाई ए, और एफ बाई ए क्या है, शियर स्ट्रेस है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फोर्स बाई एरिया क्या होता है, आपका शियर स्ट्रेस होता है, उसको यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फोर्स बाई एरिया। तो उस साइड क्या बचा, माइनस न्यू और डी वी बाई डी वाई। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका, ये जो है ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे न्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, और ये न्यू जो है यही क्या है आपका, इसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये जो ये यहाँ पे नीचे मेंशन है, न्यू इज विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी न्यू की वैल्यू मतलब विस्कोसिटी पूछे तो वो यहाँ पर आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मिलता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो और ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो पूरा फाइंड आउट किया है।
क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो पीछे देखा बच्चों, अभी हमने देखा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और ये बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। ये जब लेमिनार फ्लो होगा तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब बच्चों ये जो टाउ है, ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शियर शियर स्ट्रेस को, फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यू किसको कर रहा है, विस्कोसिटी को। और ये जो माइनस डीवी बाई डी वाई है बच्चों, दिस थिंग, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीवी बाई डी वाई तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस के साथ इसको बोलते हैं शियर रेट, क्या बोलते हैं इसको, शियर रेट, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और माइनस साइन नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो, जो टाउ है वो आपको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ता है उस केस में। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो आपका फोर्स है या शेयर स्ट्रेस है वो अपोजिट है किसके, जो मोशन ऑफ फ्लूइड, मोशन है लिक्विड का, उसके अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बच्चों यहाँ पे मैंने शो किया विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेट कितनी होती है विस्कोसिटी वाटर की, 1 सेंटीपॉइज, सेंटी मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 2 पॉइज, ठीक है। बट ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है, पास्कल सेकेंड, दैट इज 10 की पावर माइनस 3। तो 1 सेंटीपॉइज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 पास्कल पॉइज, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पास्कल सेकेंड को अगर और भी ज़्यादा सिंपलर यूनिट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, इनकी यूनिट एस, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कमेंट करके बताइए कि इसकी डायमेंशन क्या है, शियर स्ट्रेस की, विस्कोसिटी की क्या डायमेंशन है, और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसकी क्या डायमेंशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी डायमेंशन क्या है, इन सब के डायमेंशन, और यूनिट भी बताएंगे एसआई यूनिट, तो भी तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको इनकी डायमेंशन बतानी है और यूनिट्स बतानी है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, और इनको याद रखिएगा, ये पास्कल सेकंड क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, किसकी, विस्कोसिटी की, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये इसका आपका सिंबल है वी, और यहाँ पे नॉर्मल विस्कोसिटी को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, किसकी, फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों ये क्या बन जाता है, आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, बायोप्रोसेस में अगर आपको कहीं पे लेना है तो वहाँ पे क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है कि पूछ लेते हैं डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो आपको पता होना चाहिए क्या है इनके बीच का रिलेशन। तो वी इक्वल्स टू न्यू बाई रो, जहाँ पे क्या है, बस फ्लूड की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, वो आपका क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, ठीक है। अब जो विस्कोसिटी आपने देखा, विस्कोसिटी अगर नॉर्मल विस्कोसिटी मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ तो जो विस्कोसिटी है वो क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है बच्चों, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, फ्लूड की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लूड की प्रॉपर्टी चेंज होती है, कैसे, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, प्रेशर के साथ चेंज होती है, और फ्लूड की कंपोजिशन के साथ चेंज होती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होगी। आपको पता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो लिक्विड का थोड़ा सा वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या है, आपका विस्कोसिटी पे अफेक्ट आएगा, और विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच का। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा हीटिंग करने से, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा, तो दैट मीन्स विस्कोसिटी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर ऑन द अदर हैंड, प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की लेयर पास पास आ जाएंगी, तो जिनकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और फ्लूड कंपोजिशन, आपने दो अलग अलग विस्कोसिटी वाले फ्लूड मिक्स किए हैं तो उसका इम्पैक्ट लगाएगा। और विस्कोसिटी का इसलिए फिर इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, पंपिंग में। अब हम बायो प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे, जो पंपिंग पंपिंग किसकी हो रही है, जो भी आपको सब्सट्रेट प्रोवाइड कराना है या फिर जो एफ्लुएंट आपने
रिएक्टर से बाहर निकालना है, मिक्सिंग आग करानी है, वहाँ पे विस्कोसिटी का इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें कितने शेयर फोर्स प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि वो फ्लूड अच्छे से मिक्स हो सके। मास ट्रांसफर में इसका इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये इसको विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना मास ट्रांसफर में प्रॉब्लम आएगी, हीट ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम आएगी, एरेशन ऑफ फ्लूइड, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर मतलब ये जो ट्रांसफर जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मास एनर्जी और ये सारी चीज़ जो भी है, तो वहाँ पे जो है विस्कोसिटी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है पूरा रिएक्टर डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का फ्लूड जो है हम प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपने हाईली विस्कस फ्लूड है तो उसके लिए अलग टाइप का अरेंजमेंट हमें चाहिए होगा, वो मिक्सिंग में पड़ेंगे। नाउ आइडियल एंड रियल फ्लूड क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन है आइडियल और रियल फ्लूड्स की, तो आइडियल और परफेक्ट फ्लूड वो है आपके, ये हाइपोथेटिकल है यानी कि इस टाइप का कुछ भी नेचर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल लिक्विड और गैसेज हैं ये जिन जो कि क्या है इनकम्प्रेसिबल है यानी कि जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता और जिनकी विस्कोसिटी क्या है जीरो है, ठीक है, और ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है और ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो और जिनकी जीरो विस्कोसिटी हो, ठीक है, और अगर ऐसा जीरो विस्कोसिटी वाले जो फ्लूड होते हैं अगर ऐसा है तो उनको हम क्या बोलते हैं इनविसिड, ठीक है जी, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड लगा हुआ है इनकम्प्रेसिबल भी और जीरो विस्कोसिटी। नाउ जितने ज्यादा जो रियल फ्लूड्स हैं उनकी क्या है फाइनाइट विस्कोसिटी होती है और इसलिए उनको क्या बोला जाता है विसिड बोला जाता है, विस्कस फ्लूड, विसिड या विस्कस फ्लूड, और इनविसिड मतलब जिनकी जीरो वाला विस्कोसिटी है, बट ऐसे आइडल फ्लूड हमारे पास नेचर में नहीं है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ब्रॉथ विस्कोसिटी, तो ब्रॉथ की विस्कोसिटी को क्या अफेक्ट करते हैं यानी कि विस्कोसिटी को क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है, एक तो चीज ये है कि जो वाटर है वो आपको पता है वो लेस विस्कस है एज कम्पेयर टू ऑयल, ऑयल ज़्यादा विस्कस है और ऑयल से भी ज़्यादा जो है हनी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस है, ठीक है, तो हाईली विस्कस जो फ्लूड होंगे ऑब्वियसली बात है वो आपके इतने ईजिली जो है मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कस विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब ये वो जो लेयर्स के बीच में जो मोशन है उसको सबसे ज़्यादा अपोज करते हैं, ठीक है, आप मेरे पास समझिए, हाईली विस्कस का मतलब क्या है कि वो अपने लेयर्स के बीच का जो मोशन है उसको ज़्यादा अपोज करते हैं और इसलिए क्या है वो इजिली जो है आपके मूव नहीं होते जैसे कि हनी, ठीक है, और ऑयल जो है फिर उसके और वाटर जो है वो तो इजिली मिक्स कर सकते हैं आप उसको, तो क्योंकि वाटर के बीच के लेयर्स के बीच में कम जो है वो, मतलब वो लेस विस्कस है और पेट्रोल जो है वो उससे भी ज़्यादा लेस विस्कस है, ठीक है, तो विस्कोसिटी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया। तो सेल कंसंट्रेशन, आप जितनी सेल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही जो है आपका विस्कस होता चला जाएगा फ्लूइड यानी कि गाढ़ा होता चला जाएगा, ठीक है, विस्कस मीन्स एक तरीके से गाढ़ा फ्लूइड, ठीक है। सेल मॉर्फोलॉजी अफेक्ट करती है, फिलामेंटस है या कोकाई बैक्टीरिया है किस टाइप का है आपका शेप साइज वो भी अफेक्ट करते हैं कि किस टाइप का आपका रहेगा विस्कोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है सेल्स में नहीं है, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी या फिर नहीं है, ठीक है, डिफॉर्म हो सकती है नहीं हो सकती है सेल्स, तो उसके ऊपर भी विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इतना ही देखना है क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सस्पेंडिंग फ्लूइड, कंसनट्रेशन ऑफ पॉलीमरिक सबस्ट्रेट, पॉलीमरिक सबस्ट्रेट क्या है पॉलीमर बना लेंगे तो जिसकी वजह से फ्लूड जो है गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसी तरीके से अगर पॉलीमरिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी क्या करेगा उसको गाढ़ा कर देगा, ठीक है, और रेट ऑफ शीयर, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है। रेट ऑफ शीयर मतलब आपने किस स्पीड से उसको मिक्स कर रहे हैं, क्या शीयर फोर्स आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं किस रेट से, ठीक है, यानी कि आपका जो स्टीयर यूज़ कर रहे हैं आप। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों रिलेटेड टू विस्कोसिटी, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन है वो हम जब हमारा फ्लूड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक ही वीडियो में जो है इन सब के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।